अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका खैर मकदम करता हूँ एम के न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नजर आज एक अहम ऐलान करते हुए बैंकों से मुख्तलिफ अकसाम के कर्जों को हासिल करने वालों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत आइंदा 3 माह तक बैंक या दीगर मालियती इदारों से कर्ज हासिल कर चुके अफराद को माहाना कर्ज अदा करने की किस्त ईएमआई अदा करने की जरूरत नहीं है। कर्ज दहिंदों को बाद में ईएमआई अदा करने की सहूलत फ्राहम करने का आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने ऐलान किया है। हाउसिंग फाइनेंस से कर्ज हासिल करने वालों को भी ये सहूलत फ्राहम की गई है। ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसीज इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, दैट इज ऑल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस बेसिकली इन द सिस्टम, आर बीइंग परमिटेड टू अलाउ अ 3 month मोरेटोरियम। I repeat, all the lending institutions are being permitted to allow a moratorium of 3 months on payment of installments in respect of all term loans outstanding as on 1st March 2020. The second measure under this relates to deferment of interest on working capital facilities. In respect of working capital facilities sanctioned in the form of cash credit, overdraft, lending institutions are being permitted to allow a deferment of 3 months on payment of interest in respect of all such facilities outstanding as on 1st March 2020. इस खबर को पेश करता है अरफात हजुमरा टूर्स एंड ट्रैवल, पुरानी हवेली हैदराबाद। निजाम कैटरर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर, कैटरिंग की दुनिया का वो नाम जो हर घर की खुशियों का एक